यमा कंपनी अपनी पसीनो 125 और राइजेडार 125 का 2023 मॉडल को हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर चुकी है। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग इन्हीं दोनों स्कूटी को कंपेयर करने वाले हैं, कंपेयर करके आप लोगों को बताने वाले हैं कि इन दोनों स्कूटी में से आप लोग को कौन सी स्कूटी को लेनी चाहिए 2023 में, और साथ ही साथ इन दोनों स्कूटी के डिफरेंस के बारे में बताएंगे, यानी कि इन दोनों में जो आप लोग को प्राइसिंग में क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलता है, फीचर्स में क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलता है और इंजन वगैरह में आप लोग को क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को स्कूटी और बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोग को इन दोनों स्कूटी का 2023 मॉडल के प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइसिंग को कंपनी ने इंक्रीज कर दिया है इन दोनों स्कूटी का, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है अब आप लोग को इन दोनों स्कूटी में जो है BS6 फेज 2 वाला इंजन दे रही है, तो उसके वजह से जो है पहले के मुकाबले 1 से 2 हज़ार रुपये जो है इसकी प्राइसिंग को बढ़ा दिया गया है। अब पसीनो 125 के प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग जो आप लोग को 1,10,760 रुपये देखने को मिलेगा ऑन रोड 2023 में, और राइजेडार 125 की प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो लगभग आप लोग को 1,15,298 रुपये देखने को मिलेगा ऑन रोड 2023 में। और ये जो मैंने आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बताया है, ये मैंने इन दोनों स्कूटी का जो है टॉप मॉडल के प्राइसिंग के बारे में बताया है, और आज की इस वीडियो पे जो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं वो भी टॉप मॉडल के ही वेरिएंट को कंपेयर करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग इन दोनों ही स्कूटी के लुक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पसीनो 125 की, तो इसका जो लुक है यहाँ पर जो है रेट्रो स्टाइलिश बनाया गया है, जो कि गाड़ी जो है काफी ज्यादा स्लीक है, तो उस वजह से क्या होगा ट्रैफिक वाले जगह पे जो है इस स्कूटी को जो है निकालने में काफी ज्यादा इजी होगा। बात करी जाए इस राइजेडार 125 की, तो इसका जो लुक है वो आप लोग को बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी देखने को मिलता है, जो कि देखने में भाई मुझे तो पसीनो से ज्यादा बेहतर तो ये राइजेडार 125 ही लग रहा है। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग को इन दोनों स्कूटी में से किसका लुक ज्यादा पसंद आ रहा है, उसके बारे में अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों कंपेयर करते हैं फीचर्स को, तो फीचर्स तो आप लोग को दोनों स्कूटी में जो है लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। फीचर्स के बारे में बात करें तो दोनों स्कूटी में जो आप लोग को फुल्ली डिजिटल का मीटर कंसोल दिया जा रहा है, जिस पर कि आप लोग को अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो आप लोग को गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों पर जो आप लोग को फ्रंट पे LED का हेडलैम्प देखने को मिलेगा, रेयर पे LED का टेल लैम्प देखने को मिलेगा, और दोनों ही गाड़ियों पर जो आप लोग को हेलोजन के इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों पे आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें सस्पेंशन के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों पे आप लोग को फ्रंट पे टेलीस्कोपिक का देखने को मिलेगा, और रेयर पे जो आप लोग को सिंगल साइड स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ दोनों ही गाड़ियों पे आप लोग को अलॉय व्हील भी देखने को मिल जाएगा। और सीट स्टोरेज के बारे में बताऊं तो दोनों स्कूटी में जो आप लोग को 21 लीटर तक का जो है अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इंजन की, तो इंजन भी आप लोग को दोनों स्कूटी में सेम देखने को मिलता है, जो कि 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है। इसके मैक्सिमम पावर के बारे में बताऊं तो लगभग जो है 8.4 BHP तक की आप लोग को दोनों स्कूटी में पावर देखने को मिलेगा, और 10.3 Nm तक का आप लोग को दोनों स्कूटी में टॉर्क देखने को मिल जाएगा। बाकी माइलेज के बारे में बताऊं तो पसीनो 125 का जो माइलेज है वो लगभग आप लोग को 50 km/h तक का देखने को मिलेगा, वहीं राइजेडार 125 का जो माइलेज है वो लगभग आप लोग को 52 km/h तक का देखने को मिल जाएगा। सो यहां पर आप लोग को इन दोनों स्कूटी में सभी चीजें लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेगा, चाहे वो फीचर हो, इंजन हो या कोई भी स्पेसिफिकेशन हो, वो लगभग आप लोग को सिमिलर ही देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि आप लोग को इन दोनों स्कूटी में से कौन सी स्कूटी को लेनी चाहिए। सो यहाँ पर दोस्तों टोटली लुक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग को इन दोनों स्कूटी में से कौन सी स्कूटी को लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों स्कूटी में जो है सभी चीजें आप लोग को लगभग सिमिलर ही देखने को मिलता है। और हाँ, प्राइसिंग में आप लोग को थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि ये जो पसीनो 125 है ये जो है लगभग आप लोग को 7 से 8 हज़ार रुपये ज्यादा सस्ती देखने को मिलती है, और ये जो राइजेडार 125 है ये लगभग आप लोग को 7-8 हज़ार रुपये जो है महंगी देखने को मिलती है। सो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर किसका लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है, बाकी सभी चीज़ें तो आप लोग को दोनों स्कूटी में सिमिलर ही मिलते हैं। तो आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग इन दोनों स्कूटी में से कौन सी स्कूटी को लेने वाले हैं 2023 में, उसके बारे में कॉमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।